आपने हेयर कट करा लिया? प्रोड्यूसर पुल्लर प्रोडक्शन इंडस्ट्री में धमाका होने जा रहा है। खाना कैसा भाजी? बहुत ही जबरदस्त डिश, मतलब अभी हाथा पाई हो गई थी। चिपकन ने कालू भाई को खा लिया है। दर्द हो रहा है आपने? और बंद कर दे नहीं। चलो हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। भाई बहुत दलेर है। छोरा हरियाणा का, छोरा हरियाणा का भाई, देख मेरा टोरा। कहना मानती है तेरा? मानती है। जिमी हेलो करो। नहीं मान। हेलो, डर क्यों रही है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग? तो मेरा व्लॉग आज थोड़ा लेट शुरू हो रहा है, रात के बज गए 8। मैं निकल रहा हूँ अभी जिम के लिए, और जो मेरे शादी के वस्त्र वो रेडी हो गए, वो भी ले लेता हूँ। और कल सुबह 9 बजे मुझे जाना है शूट पे, कल मेरे गाने का शूट। तो गोलू जो है अभी रेडी हो रही है कल के शूट के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी निकलना हमें। और यहाँ से जो लोकेशन है वो है नियर अबाउट 1 घंटे की। और चीकू पीछे खड़ा खड़ा कुछ देख रहा है। हाँ जी, मैं भी चलूंगा। पक्का? पक्का। वो आने जा रहा था? आपका स्कूल है? स्कूल है बेटा, है चलना है? स्कूल, स्कूल के बाद चले दो। स्कूल के बाद आ जाइयो, वहीं आ जाना। ठीक है, तो क्या क्या ले रही है? कुछ नहीं, मैं तो वैक्सिंग करवा के आई थी पार्लर से। आप सोच रहे पैकिंग कर लूं? आप ये बताओ पहनना क्या? कर कुछ नहीं पहनना, सब कुछ ड्रेसिंग वहीं की, हमारा कुछ नहीं। मतलब इस महीने मेरे 3 से 4 गाने भी हैं, शादी भी है, पायल की मेहंदी भी है। मतलब इस महीने में फुल बिजी हूँ। जो मैंने वेट कम किया था ना, तो वो घड़ी आ गई है, तो अब मेरे रेगुलर शूट होने वाले हैं। जिम चल रही है क्या? नहीं गुड्डू, मैं नहीं जा रही। थक गई? मैं आज सुबह से बाहर हूँ, तो अभी मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए, कपड़ों के लिए। ठीक है गोलू मैडम, बाय बाय। ओके जी, बाय। पायल कुछ लाना है क्या? नहीं गुड्डू, कुछ नहीं लाना। कुछ बता दे, लाना तो आना। मिठाइयों का कर लेना यार, मिठाइयों को नहीं करके आए हम। कल कौन सी मिठाई है? हम ही नहीं, वो कार्ड के साथ जिसको देनी है, हम करके नहीं आए। तो वो तो हैंड टू हैंड ले लियो, कितनी होती है। चल बाय। ओके बेटा, बाय बाय। क्या हुआ? नीचे बॉल थी, अब खा पेगी। कहाँ गई? मुझे नहीं पता, मैंने लिखा है। तो आप चीकू की कंप्लेंट करने आए? ग्रीन और ब्लैक थी वो, तो नीचे होगी ना बच्चे? नहीं तो खाली हाथ आया होगा। विमान, आपने हेयर कट करा लिया? बहुत सुंदर लग रहे हो यार। कौन सी क्लास में विमान? फर्स्ट फर्स्ट। ओके, सेकंड सेकंड। चलो कुछ पानी वानी पीना आपको? आ जाओ, पानी वानी ले लो। ओके बाय। ओहो, साडे घर आए बड़े बड़े प्रोड्यूसर, पुल्लर प्रोडक्शन आए साडे घरे। भैया और भैया कहाँ घूम रहे थे? बस तुम आ गए, मैं अभी निकल रहा था जिम के लिए। अच्छा जी, आज शाम को जा रहे हो जिम? मैं अकेला ही जा रहा हूँ। ओके, तो गाइस बहुत सारे धमाके होने वाले हैं, वेट कम हो गया, धीरे धीरे और कर देंगे। और पाजी आए हुए हैं शूट की डेट फाइनल करने के लिए, तो मैंने अभी बोला भैया शादी के बाद ही करेंगे पाजी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सही है, शादी जरूरी है, वो तो सबसे काम जरूरी है ना। शादी के काम तो बाद आप आराम से शूट करेंगे। क्या पाजी, धमाके कितने बड़े होने वाले हैं? बहुत बड़ा, बहुत इंडस्ट्री में धमाका होने जा रहा है। इंडस्ट्री एक बार मान जाएगी कि कुछ किया है। बस लगे पड़े, मैं भी देख लो शादी का टाइम है और फिर भी मैं जिम जा रहा हूँ, बिल्कुल चीजें मिस नहीं कर रहा। और कालू भाई हमारे 24 घंटे साथ होते हैं, चाहे कितना भी थक जाए आदमी, हमेशा ही कहता चलो। तो दोबारा पहुंच गए हमारे बंटी भाई के पास, कटवट लग रहे हैं, सुबह गाना है, तो मैंने सोचा यहीं से सेट करा के जाता हूं। दूसरे हाथ में वही फेस वाली बात आ जाती, क्यों देना जब बंटी भाई हैं। तो साथ में हमारे पुल्लर भाई भी जाएंगे कल सुबह हमारे साथ शूट पे। और कल वाला शूट जो है बहुत ही लंबा शूट होने वाला है, और बने रहना, कल का ब्लॉग भी बनाऊँगा मैं वहाँ शूट का, तो वैसा भी थोड़ा सा रहेगा। उसके बाद कुछ खाने पीने चलते हैं। तो भैया हेयर कट हो गया डन, तो अभी निकलते हैं कुछ खाते हैं, भूख लगी बहुत ज़्यादा। तो भैया अभी खाना आने वाला है जबरदस्त, क्या क्या ऑर्डर किया है वो दिखाएंगे। मतलब मैंने जो ऑर्डर किया वो देखना, और जो हमारे सन्नी भाई ने ऑर्डर किया वो देखना। अभी जल्दी जाके सो जाऊंगा, क्योंकि सुबह का शूट है जैसे कि आपको बताइए, और मज़ा आने वाला है। तो हमारे सन्नी भाई बताएंगे खाना कैसा भाजी का। भाजी बहुत बढ़िया जी, बहुत बड़ा बढ़िया। तो हमारे भाई आज अकेले आए, भाभी कहाँ ये बताओ? घर पे। तो लेके क्यों नहीं आए? शॉपिंग कर रहे थे हमारे भैया की शादी की। तो भैया शादी की फुल शॉपिंग चल रही है, पर मतलब रजनीश भाई बोल रहे कि तूने शादी ऐसी की है, मतलब मेरा इतना खर्चा करवा दिया। मैंने बोला तुम अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ, मतलब फंसा मैं भी पड़ा हूँ। तो रजनीश भाई आप भी लाए कपड़े कुपड़े? नहीं, मैं नेक्स्ट वीक लेके आएंगे। तो आप भाई कर रहे हैं भी शॉपिंग थोड़े ब्याह की? भैया बहुत ही जबरदस्त डिश मंगवाई है हमारे रजनीश भाई ने, और इसका नाम बता दो फटाफट क्या है? इसका नाम है दही कबाब। दही कबाब मेरे ही फेवरेट है, कभी कभी खाता हूँ। और आज तो सभी निपटा रहे हैं भैया, फुल तेजी से लगे हुए हैं। मतलब मेरा तो फेवरेट क्या है, मैं दाल रोटी दही यही खाते हैं, रजनीश भाई भी यही खाता है, हमारी ज़्यादा डिमांड भी नहीं होती, क्योंकि दाल रोटी खा के बड़े हुए हम, तो हम सोच रहे हैं कि हम उसी से कैरी ऑन रखें, और चीज़ें ना खाएं। तो भैया फेवरेट खाना आ गया। तो रजनीश भाई ने भी एक बढ़िया सा जोक सुनाया,
कि दोस्त अपने दोस्त के होटल में जाता है और वहाँ जाके बोलता है कुछ खाने का दे दो ज़बरदस्त सा और ताज़ा। तो कह रहा भैया ताज़ा वाज़ा कुछ नहीं है, 18-19 साल पुराना। कह रहे कैसे? कह रहा कुछ नहीं, आज सब्ज़ी बच जाती है तो दूसरे में डाल देता, दूसरे दिन बच जाती है तीसरे में डाल देता। मतलब कहीं ना कहीं 18-19 साल पुरानी चीज़ें हो ही जाती। रजनीश भाई का आज से पहले बहुत बड़ा ढाबा था और वो किसी कारणवश टूट गया, सरकार ने तोड़ दिया था। तो उस टाइम रजनीश भाई बहुत ही, मतलब हर इंसान का ना कुछ जीवन में संघर्ष और काम बहुत ही स्ट्रगल रहता ही रहता है। जिसने स्ट्रगल नहीं किया ना उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। तो गाइस यहाँ पर ऐसे ऐसे कलाकार बैठे हैं, कोई कह रहा है बिल मैं दूंगा, कोई कह रहा है मैं दूंगा, कोई कह रहा है मैं दूंगा। तो ये चीज़ें बहुत कम होती हैं भाई। सही है भाई। नहीं, रंजीश भाई कह रहा मैं दूंगा, वो कह रहा मैं दूंगा, मतलब अभी हाथापाई हो गई थी। अभी जो बिल खो के गया हमारे सन्नी भाई, और अभी एक बंदा आया बाहर से, हाँ लड़ाई हो गई थी, एक बंदा आया बाहर से और कह रहा है गड्डी हटा लो पाजी, गड्डी नहीं कह रहा थारा हटा लो, रेगुलर को सारी बोल रहे हैं कहंदा थारा हटा लो भाई। वो तो ठीक है थारा हटा लो, मैंने सोचा गाड़ी वाड़ी निकाल ली होगी, तो बाइक खड़ी थी उसकी। वो बाइक निकल रही थी तो बाइक क्या किया पाजी ने निकाली, जगह थी पूरी, जब तो हम जल्दी आ गए। वो होता ना 15-20 जेब में डाल लेता सौंप वो, बच्चे होते भैया हम भी बच्चे थे ना। और होटल में चले गए तो वहाँ पे एक अजीब सा होता, खाते खाते दाल नान बहुत बड़ी बात हो जाती थी। सही गल है, सही गल है भाई, बिल्कुल बहुत बड़ी बात हो जाती थी उस टाइम तो। और उसके बाद फिर वहाँ पे सौंफ वाँप दिखती थी, 5-10 पैकेट डाल लाता था मैं तो, मतलब 16-17 साल की उम्र की बात बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो भैया हमने सौंफ रख लिए चीकू के लिए, चीकू घर जाके सरप्राइज दूंगा। तो गाइस खाना वाना हो गया फुल कम्प्लीट, मैं फ़ोन भूल गया था रजनीश भाई ने, आजकल मैं भूलने लग गया हूँ चीज़ें, क्योंकि ना गोलूपाल साथ नहीं थी, वही रखती मेरा फ़ोन वोन, मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता। तो गाइस बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, चिपकन ने कालू भाई को खा लिया है। हाथ दिखाओ भाई साहब, हाथ देखो, देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, पता नहीं हाथ खा गया। ओए इसको ध्यान से रखिए, अब चिकू से पायल है, देख चिपकन ना उसको खा गया, कालू को, चिपकन कालू को खा गया, देख हाथ में, देख देख दांत, ये मुंह है इसका, ये काटता भी है, पता नहीं आज ही काटा पहली बार। नितिन मुंह पर गुस्से जा, बहुत गुस्से नहीं, नहीं नहीं वो नहीं काट सकता, उसके मुंह में दांत नहीं है, ये तो नाखून लगा हुआ है, काल बता हुआ बेटा, हमारे सामने तेरी कसम, बस हमारे सामने से कल भी तेरी कसम, इसने काटा है, ठीक है हमारे सामने काटा है, अभी काटे सामने काटा है बच्चा, ये गुस्से में होगा कोई बात नहीं, कई बार हम भी तो डांट देते हैं। क्या कह रहा है ये, यार एक बात बता, तू पागल है क्या, छोटी सी बात बता, ये झूठी कसम खा गया है, चिपकन है, नाखून मुझे लगा नाखून लगा एक बार मैंने उसके मुंह में काट डाला हैं दांत, एक तो धीरे धीरे दांत से काटा उसने, चीको सो रहा है भैया आराम से, तुम उतारो भाई गुस्से में, सच कटिया तुम्हारे सामने काटा, तुम उतारो भाई, ना हम क्यों उतारेंगे, ये भी हाथ नहीं लगा रहा, क्या हो गया, हम काट रहे हो, मैं ले आऊंगा इसे नीचे, चल कोई नहीं मैं कैमरा ले रहा, तुम उतारा यार, तुमने तो डर पैदा कर दिया इसके खिलाफ पूरा, नहीं कालू कह रहा आज चिपकन गुस्से में, नहीं भाई गुस्से जा, देखो फुल गुस्से में आज, पौधे यार रात बिल्कुल नहीं, इतना क्यों डर रहे हो चिपकन, इतना उठा ना इसको, चिपकन नहीं करता कुछ, भगवान काट रहा है ये, काट रहा है ये आज भाई, फुल देखो काट रहा है, पौधे नितिन भाई उठा इसको इधर, डर मत, हाँ गोदी में उठा नितिन इसको, बिठाइयो चीकू का पालतू भाई है, नहीं नहीं आज गुस्से जाओ, देखो कल नहीं सो रहे हो, उसको अच्छा नहीं लग रहा, पानी पिला रहा है ना भाई, ये देखो ये देखो पानी, पानी पिला इसको, पानी पिला, ये देखो भाग रहा है ना, पानी पिला, आज ये गुस्से में कैसे हो गया इतना, और देखो उसकी हार्ट बीट देखो कितनी पास है, क्या हुआ चिपकन, चिपकन आज इसको खाना नहीं मिला, देखियो चिपकन मेरे तरफ ऐसे देखो, क्या हुआ मेरे हिसाब से ना आपके वो इसके जो नीचे दांत से वो ना लगे हो, क्या हुआ, ना ना ये नहीं लगे मेरे को, गलफड़ी से इसकी गलफड़ी पकड़ा भाई, इतना हाथ लगाई उसे मुंह आगे लगा, मुंह आगे लगा इसका, पंजा लगा, खाना खिला दे मैंने इसको, मुंह से मुझे मैंने निकाल लिए, खाना ले गया इसका, आज गुस्से में नहीं, मुंह खोल रहा है, देखो देखो पायल आगे पीछे, पायल आगे, खाना खाओ, वो खाए तो उंगली खाएगा,
भूखा है ये बेचारा। खा ले बेटा खा ले, कोई बात ये सिर्फ कद्दू खाता है और कुछ नहीं खाता। अच्छा वेजिटेरियन नहीं ये बेचारा, वेजिटेरियन है। अरे मैं समझ गई इस बेचारे को भूख लग रही थी तो काल को हाथ खा गया, इसलिए खा गया वो। ओहो इसके हाथ की खाल निकल रही है वो, कौन सी है ना, नई खाल आ रही है ना, कौन से रह रही है देखो ना, लाइट हो गया सांप का जैसा, इसका सांप की तरह ये, सांप की तरह कौन से रह रही है, बस इसे भूख लग रही है, भूख का छेड़ो मत ये चिपकन को, चिपकन डॉक्टर चले गया यहां से जोर से ना, हम कोई कपड़ा लेके जाते ऐसे बांध देते हैं, ये खून ऊपर नहीं जाएगा जहर। अरे वो यार इधर कट लगा दो छोड़ो, मैं आज तक पसीना नहीं आया मेरे को, हां चेक करूं मैं, अबर चेक करो चिपकन में इसमें जहर होता क्या, इकवाना में उल्टी आ रही है आपको, नहीं नहीं आठ वीट ना जो जाओ ना इसको फोन कर, ये काट के ले जाओ ना डॉक्टर के, चल चलो यार भाई चलो चलो कर गए पाजी, हाथ में सूज रह गया, दर्द हो रहा है हाथ में और ये नीली पड़ गई उंगली, चलें चल फिर चलें, चाबी उठा गाड़ी की, चलो यार पाजी चक्कर आ रहे उन्होंने जहर, जहर चक्कर में लगा जो हार्ट बीट फास्ट हो गई तो जहर फैल देना, अब चेक करिए इसमें ऊपर जहर नहीं जाऊंगा पाजी, जहर ऊपर नहीं जाएगा, नहीं यहां वो कट लगा देने आगे तो मत फैलेगा, बंद कर दे इसमें, नहीं बहुत दलेर है, बहुत ज्यादा दलेर है, ऐसे तो कभी नहीं किया भाई ने, मजाक नहीं कर रहा सच में, कोई नहीं अपने पीछे हॉस्पिटल आ जाने है ना, कोई आ जा फटाफट आ जा, नहीं अपने कल ही हटा दूंगा यहाँ से घर से भाई, शुभाना शुभाना है ना, और क्या पाजी पता लगे, पता कि चक्कर है पाजी, तो फिर भी मच्योर है तो चीकू तो बिल्कुल बच्चा है वो, तो बिल्कुल नहीं सह पाएगा, वो देखो भाई को कितनी पसीने छूट रहे हैं, बहुत बुरी हालत है पाजी की, पाजी खिंच के लगे, एक मिनट ये आ गया, एक मिनट में वो घर के बाहर ही तो है, आगे दो आगे दो मिनट में आ गए, टेंशन ना ले भाई, आगे 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 ज्यादा हो रहा है मेरे दर्द, ज्यादा है तो गाइस बहुत ही बड़ी मिस हैपनिंग हो गई, हमारा जो चिपकन है उसने कालू भाई को बाइट कर ली है, और मतलब हालत इतनी सीरियस है, अभी उनको एडमिट किया गया, मैं आपने फुटेज देख ली होगी सारी, तो बस अभी घर निकलता हूँ, घर से भाई के कपड़े लेके आने और टॉवल वॉल लेके आने, और भाई के जो जब जो उसने काटा ना तो जहर फैल गया, तो वो हार्ट बीट एक तो फास्ट होगी और दर्द होने लग गया, और जब हमने वहाँ मोनिटर में चेक किया ना तो ऑक्सीजन सेचुरेशन भाई उस टाइम 94 रह गई थी, नॉर्मली 100 चाहिए, वो कम हो रही थी, और दिक्कत नहीं, मैं उसको चिपकन को भैया भी निकालता हूँ घर से, यानी कि सुबह छोड़ के आएंगे जहाँ से हम लेके आए थे, क्योंकि ना चीकू 24 घंटे उसको लेके घूमता है, और हमने पूरा सर्च किया था इसके अंदर जहर नहीं होता, पर अभी गोलू बता रही है कि उसके मुंह में दांत होते हैं, और डॉक्टर ने बताया अगर वो कोई छिपकली या कुछ खा ले ना तो वो सारा जहर उसके अंदर होता है, उस टाइम किसी को काटेगा तो जहर फैल जाएगा, ये नहीं कि वो जहरीला नहीं है, और उसकी जो ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 140-150 था उस टाइम। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, दुआ करना भाई जल्दी ठीक हो जाए, तो अपडेट देंगे आपको अगले व्लॉग में, नमस्ते। मैंने आज कुछ किया उसको, ECG की है सारी चीज़ें, वो कह रहे वैसे तो देखो जो जानवर आप बता रहे हो जहर नहीं होता, वैसे सोचो उसने कोई छिपकली खा रखी हो और फिर आपके भाई को बाइट कर ली तो जहर तो होगा ना फिर उसके अंदर। अच्छा जैसे कीड़ा खा लिया हो। मैं पहले तो ऐसे लग रहा था ऐसे लगाओ खरोच खराज, फिर चलो खा भी लियो होगा, पर मुझे नहीं पता था कि इतना वो ज़्यादा सूझ गया गया क्या, मुँह पूरा घबरा गया, वो बुरी हालत हो रही थी उसकी बहुत।